पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा के सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमको ये संदेश देता है, याद करता है कि हमारे जीवन को एक दिशा है, वो दिशा है स्वर्गीय जीवन। स्वर्गीय जीवन पर हम याद करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता, उन्होंने अपना सारा जीवन हमारे लिए बांट दे के हमको अमूल्यता, श्रेष्ठता हमारे जीवन में बदलता दिया है। अपने पुत्र को बेच के हमको रक्षण दे के हमारे लिए उन्होंने अपना ही प्रजा, अपना ही भाई और बहन जैसा अपना ही कुटुंब बनाया है। जैसे वो प्यार को हम जीते हैं और सबसे बांट देते हैं, हमारे सारा मन, सारा हृदय, सारा शक्ति से, और उसी तरह सारा लोगों का प्यार करने के लिए, प्रभु को स्वीकार करने के लिए हमारे लिए परिशुद्ध हृदय चाहिए, जिसके हम पापी जैसे स्वीकार करें। हम सब मिलकर बोलें, ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमेन। महिमा
कुवत तू ही पवित्र आत्मा के संग तू ही पावन तू ही प्रभुवर तू ही पवित्र आत्मा के संग पिता की महिमा स्वर्ग परी है तेरी महिमा होती है महिमा हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर तेरी प्रेरणा से हम सब तेरा प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं, हम पर दया दृष्टि डाल और हमें ऐसी सहायता दे कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। ये तीन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमेन। मनुष्य का कल्याण इसमें है कि वह ईश्वर का बताए हुए मार्ग पर चले। ईश्वर ने नियमों में हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं, वह हमारा एकमात्र लक्ष्य है, वह हमारी सुख शांति का आधार है। वित्तीय विवरण का ग्रंथ से आज का पहला पाठ। हे इसराइल सुनो, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से प्यार करो। मूसा ने लोगों से यह कहा, यदि तुम अपने पुत्रों और पुत्रियों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसने जो नियमों का आदेश में तुम्हें दे रहा है यदि तुम उसका पालन करोगे तो तुम्हारे आंसू लंबी होगी। हे इसराइल यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम पलो फूलो और जैसा ही प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा था वह तुम्हें वहाँ देश प्रदान करेगा जहाँ दूध और मंदु के नदियों बहाती है। हे इसराइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर का अपने सारे हृदय अपने सारी आत्माओं अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्दों में तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंतिक रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु तेरे गीत
तुझ में प्रभु। दूसरा पाठ इब्राहिमियों के नाम। वे बड़ी संख्या में पुरोहित बनाए जाते थे क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय बना रहने मृत्यु के कारण अधिक समय बना रहने के लिए संभव नहीं था। यीशु सदा बने रहते हैं, इसलिए इनकी पुरोहिताई चिरस्थाई है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने के समर्थ है, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित था कि हमें इस प्रकार के महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से स्वतः, मित्र और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा किया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता के दुर्लभ मनुष्य की महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के प्राप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। यह प्रभु की वाणी है। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है, धन्य प्रभु के नाम लूटे, उसका नाम महान है। अलेलुया अलेलुया प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने यह विवाद सुनाता और यह देखकर कि ईसा ने सादुकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह रही, अपने पड़ोसी को अपने सा सम्मान प्यार करो, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, अपने सच कहा है, एक ही ईश्वर, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करना, यह प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसको विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। ये प्रभु का सुसमाचार है।
क्रिस्त की जय। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक कलिसिया में धर्म केंद्र में मैं वो कलिसिया का फादर था और वो कलिसिया में चर्च में 150 कुटुंब रहते हैं, ईसाई कुटुंब। समय समय पर मैं वो सब कुटुंबों का पेंट कर रहा था। एक बार एक कुटुंब को मैं मिल को गया और मुझे मालूम हुआ कि वो घर की औरत बहुत रविवार से मिसा को नहीं गई थी। उनसे मैंने पूछा, बहन क्या हो गया, आप बहुत रविवार से हमारे चर्च में नहीं दिखा दी थी। उन्होंने कहा, फादर मैं बहुत बीमार हूँ फादर, एक महीना हो गया अब मैं बीमार हूँ, मुझे दूर जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, बस में बैठकर एक घंटा लगता है उधर पहुँचने को, और बहुत दिनों तक एक हफ्ते में 2 बार मुझे जाना पड़ता है। मैं जाता हूँ आता हूँ, इसके लिए मुझे चर्च को रविवार के मिसा को आने को मुश्किल हुआ। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ भाई और बहनों, यह औरत ने कहा, फादर मैं एक घंटे बस में बैठ कर डॉक्टर के पास जाता हूँ आता हूँ, हफ्ते में 2 बार जाता हूँ आता हूँ, इसके लिए मैंने पूछा वो औरत को, बहन मुझे बताइए आपका घर चर्च से कितना दूर है। केवल 5 मिनट चलते जाना, बस में नहीं, ऑटो में नहीं, बाइक में नहीं, चलते जाके 5 मिनट चर्च को आने को। सुनो बहन, कुछ चलते आते ही तुझे चर्च को आ सकती है। तुम सोचो, तुम्हारे जीवन में डॉक्टर कौन है, कौन आपको स्वास्थ्य देगा, डॉक्टर देगा, भगवान देगा, और किस पर आपका प्यार। डॉक्टर तो मुझे दवा देते हैं, प्रभु आपको स्वास्थ्य देते हैं। डॉक्टर मनुष्य, उन्होंने बहुत सीखा, शिक्षण किया, डॉक्टर बन गया, वो दवा देता है, मगर स्वास्थ्य देना केवल भगवान का काम। हमारे जीवन में एक ज्यादा दिन, एक ज्यादा क्षण जीने के लिए वो भगवान का खुशी होना चाहिए। भगवान की इच्छा बिना हम किसी को जीने को हम नहीं सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये औरत क्या कहती है कि उनके जीवन में भगवान को स्थान नहीं है, प्रभु यीशु का जीवन उनको नहीं समझा है, प्रभु का वाक्य उन्होंने नहीं सुना है, प्रार्थना का जीवन उनके जीवन में नहीं है, केवल डर, मैं बीमार हूं मैं मरता हूं उतना ही, उसके बाद क्या जीवन है मुझे, भविष्य में क्या मुझे जीवन। कल भाई और बहनों, हम सब ने याद किया हमारे सब मृतकों को। मैं समझता हूं मुझे
ऐसा समझता है कि आप सब कल बहुत लोग चर्च को गए, मिस्सा में भाग लिया, सेमेट्री को गए, प्रार्थना किया और आपके सब मृतकों को, आपके संबंधी प्यारे लोगों को याद किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में मृत्यु एक सच है, मृत्यु का दिन एक सच है, वो मुझे तुझे सबको। वो दिन क्या होगा कि हमारी खुशी नहीं है, हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको जीना चाहिए, वो ठीक है, जीना चाहिए जीवित, मगर कैसा ही हमारा कोशिश, किसी तरह हमारा काम और सब हमारा प्रयत्न, किस मनुष्य को इस दुनिया में रहने को वो आज्ञा नहीं देगा। क्योंकि भाई और बहनों, ये सच है दुनिया का, ये हमारा हर दिन का सच है, हमारे आंख के आगे हम देखते हैं लोग मरते हैं, दूसरी तरफ दूसरे दुरंतों से बहुत कठिन और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में लोग मर जाते हैं। इसका एक ही अर्थ है भाई और बहनों, हमारा घर इस दुनिया में नहीं है। हम सब करते हैं, सब कोशिश करते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रहने के लिए सब कुछ हम कर सकें और कोशिश करें, तो भी एक क्षण इस दुनिया को छोड़ना पड़ता है। इसके लिए भाई और बहनों, हमारा सारा मन, हमारा हृदय, हमारी शक्ति हमको मार्गदर्शन करते हैं, राह देते हैं कि ये सब पर एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान ईश्वर। अगर भाई और बहनों आज ये मिस्सा में आप भाग लेते हैं, समय करके, सब सोच के, सब काम छोड़ के, आपका एक इच्छा है, एक इच्छा है, आज का दिन वो भगवान का दिन, आज का दिन भगवान के लिए, क्यों, उसी भगवान के पैर पर हमें पड़ना है एक दिन और एक दिन, और हमारे जीवन का सब हिसाब सब वही भगवान को सौंपना पड़ेगा। इसके लिए भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम सब कोशिश करते हैं, एक हमारा और दिन का प्रयत्न, कोशिश कैसे हमारे जीवन को बांट लेंगे, क्योंकि आपने शुभ संदेश में सुना, शास्त्री ने पूछा प्रभु को, बताइए पवित्र ग्रंथ में बहुत बड़ा आज्ञा क्या है। बहुत बड़ा आज्ञा प्रभु ने कहा, ये प्रभु ने पहली बार नहीं दिया और ये नया आज्ञा नहीं है प्रभु का, पहली बार हम पुराना व्यवस्थान में ड्यूट्रोनमी पुस्तक में मूसा ने दिया था वो आज्ञा, सारा दस आज्ञा देने के बाद उन्होंने लोगों को कहा ये सब आज्ञा है आपके जीवन के लिए, मगर ये सब आज्ञा एक ही आज्ञा में है, आपके सारे मन से, हृदय से, शक्ति से भगवान का प्यार करो, कैसा उनका प्यार करते हैं उसी तरफ आपके पड़ोसियों का, क्योंकि सब मानव लोगों का, जैसा भगवान ने किया भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने किया, वो प्रभु यीशु ने किया, क्यों हमें करना चाहिए उसी तरह, हमें करना चाहिए, ऐसा करने से हमारे जीवन में रूपांतर होना चाहिए, ये जीवन का अर्थ हमको समझना चाहिए, ये जीवन एक तोहफा बनना चाहिए, क्योंकि हम ये दुनिया में भगवान का तोहफा, इसके लिए हमारे जीवन के शाम संध्या को भगवान एक ही प्रश्न करते हैं, कितना प्यार आपने बांट लिया सबसे, कितना अमीर हुआ, कितना पैसा, कितना बिल्डिंग, वो किया नहीं,
मगर उन्होंने एक ही प्रश्न, कितना प्यार हमारा। भाई और बहनों, इसके लिए अब ये मिस्सा घर में जाके हमारा प्रार्थना, पवित्र वाक्य भगवान का, उससे शक्ति पाके कैसा मैं दूसरों का जीवन में भाग लेता हूँ, दूसरों का सेवा में कैसा मेरा मन लगाता हूँ, और विश्वास रखता हूँ कि प्रभु यीशु ही हमारा विशेष, हमारा दवा देने वाला डॉक्टर। और भाई और बहनों, प्रभु चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारे लिए, हमारे जीवन को अर्थ देने के लिए। ये मानव जीवन है भाई और बहनों, हमारे जीवन में ये सब आंधी, स्टॉर्म और लहरें, दरिया का लहरें की तरह हमारे जीवन जैसा। आज खुशी का दिन, कल कौन जानते हैं, वो खुशी नहीं रहेगा हमारे जीवन में। तो रहता एक ही भगवान, वो सदा है, वो कभी नहीं भूल जाएगा। उनसे हम प्रार्थना करने के समय, हमारे जीवन को सौंपने के समय हो हमारे लिए देगा। तो भाई और बहनों, आज हमारा ये निश्चय होना चाहिए कि मेरा जीवन में प्रभु की सेवा में, उनसे प्यार में कैसा मेरे जीवन को मैंने ध्यान करना, कितना दिन मुझे लिए और है इस दुनिया में। आज तुम युवक है, यू आर यूथ टुडे, यू आर यंग मैन, युवक, जीवन में एक ही बार। देखिए आपकी तरफ, मैं था एक दिन युवक, 25 बरस, 30 बरस, आज मुझे 60 बरस ज्यादा हो गया, फिर मैं वही जीवन को वापस नहीं जाएगा, लौटना मुश्किल, मुश्किल नहीं, साध्य नहीं, असाध्य है। इसके लिए भाई और बहनों, ये जीवन है तोहफा, तोहफा भगवान के लिए करना मतलब हमारे जीवन में सबको, हमारे जीवन में पहली बार हमारे कुटुंब में, आप बहुत दूर है, कुटुंब से बहुत दूर है इधर इस गांव में, तो भी आप, आपके मन, आपके हृदय से, आपके कुटुंब से एक साथ हैं, आपके माँ बाप और आपके बच्चों और सब जगह में, आपके प्यारे मित्र हमारे ईसाई भाई और बहनों, सब जगह पर एक चर्च, एक कलीसिया, एक कुटुंब, भगवान का एक कुटुंब। एक दिन वो कुटुंब में हम पहुंचेंगे और भगवान हमारे लिए सम्मान करेगा कि हमारे विश्वास पर हम जीके। ये दिन वो कभी है, एक दिन हमारे जीवन, वो मृत्यु का दिन एकदम, वो दिन हमारे स्वर्गीय पिता हमको स्वागत करेंगे प्यार से, और हमारा सब आंसू दूर बह जाएगा, हमारा सब दर्द, हमारा मृत्यु का अंतिम क्षण खत्म हो जाएगा। बाद में प्रभु के साथ स्वर्ग साम्राज्य में जीने का सौभाग्य प्रभु यीशु में दे, आमेन। खड़े रहे हमारे विश्वास का, अब हम प्रकट करें, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु येशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफन गए और अधोलोक में उतरे, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागित्व, पापों का क्षमा, शरीर का पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ, आमेन। प्रार्थना करें भाई और बहनों, आज का दिन प्रभु से, जो हमारे सब प्रार्थनाओं को सुन के और सब हमारे प्रार्थनाओं को जारी करने के लिए वो आनंदित हैं।
विश्वास से हमारे प्रार्थनाओं को उनको चढ़ाएं। प्रभु यीशु, प्यारे भगवान, स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए आज, हमारे कलीसिया के नेता पोप फ्रांसिस, सब बिशप, सब याजकों के लिए, सब धार्मिक लोगों के लिए, हमारे कलीसिया के नेताओं सब के लिए हम प्रार्थना करता हूँ जी, उनमें आप का विश्वास दृढ़ करें, पवित्र आत्मा के शक्ति से सारे कलीसिया को एक कुटुंब की तरह मार्गदर्शन दे के आगे बढ़ने के लिए वो मदद कर सके, हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, कहिए ये प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं सब राष्ट्रों के लिए आज, शांति नहीं है हमारी दुनिया में, इज़राइल लोगों के बीच और ईरान, जॉर्डन, लेबनान, पालेस्तीन लोगों के बीच हर दिन युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध, शांति नहीं है प्रभु। हमारे राष्ट्र में भी उतना शांति नहीं है, ये दुनिया के सब राजकीय नेता हर दिन उनको आपके प्रेरणा से शांति के लिए काम करने को आप आज्ञा दे, जो सब सब मानवों का प्रामाणिक तरफ उनके भलाई के लिए वो काम करें, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे प्रार्थना सुन, हम प्रार्थना करते हैं इधर इकट्ठे होने वाले हम सब विश्वासियों के लिए, आपके कुटुंब के लिए, भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें आप हमको हर दिन का रोटी, हर दिन का जीवन शांतिमय रहने के लिए प्रभु हम सबको एक प्रेरणा दे, सबको क्षमा से, प्यार से, सहिष्णुता से स्वीकार करने के लिए हमको मदद करे, हमारे जीवन में हम उदारित होकर प्रभु ने क्या क्या हमारे लिए अच्छा तोहफा, अच्छा जीवन दिया, वो सब लोगों से बांट करके खुशी से जीवन जीने के लिए, और गरीब लोग, कष्ट संकष्ट में फायदा भी, बीमारी लोगों से हमारे जीवन को बांट दे के आपका प्यार को सारा मन हृदय शक्ति से करने को हमको मदद करें, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे प्रार्थना सुन, ईश्वर के पिता, ये सब हम हमारा प्रार्थना और बहुत हमारा प्रार्थना है हमारे हृदय में है, हमने प्रकटित नहीं किया है, आप जानते हैं हमारे जीवन की आवश्यकताओं को, आप जानते हैं, और इसके लिए हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं कि आपके विश्वास, आप पर विश्वास रखकर आपके पवित्र आत्मा के शक्ति से हर दिन आपके प्यार में जीने के लिए, आपके प्यार को जी के सबको देने के लिए, सबको स्वीकार करने के लिए हमको शक्ति दे, ये प्रार्थना हम करते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु येसु क्रिस्त के द्वारा, आमेन। बैठिए भाई बहनों, अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं हे येसु भगवान, जीवन अपना तुझसे मिलता क्रिस्त येसु भगवान, चढ़ाता हूँ दिल में तुझे बसाता हूँ, बेट तुझे मैं चढ़ाता हूँ दिल में तुझे बसाता हूँ, हर जन तुझसे जीवन पाके गाए तेरी जय जयकार, जीवन अपना तुझसे मिलता क्रिस्त येसु भगवान, क्रिस्त येसु भगवान, जो हमारे छोटा है प्रभु दान हमारा मिलकर तुझे चढ़ाते हैं, छोटा है
प्रभुदान हमारा, मिल कर तुझे चढ़ाते हैं। हर जन तुझसे जीवन पाके गाए तेरी जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता क्रिस्त यीशु भगवान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। ए प्रभु, ये बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्तोत्र बन जाए, यह हमारे प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन्हें वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले को खो दिया। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं और अनंत आनंद विभोर होकर कहते हैं। जब ये रोटी खाते हम ये कटो, पाहवन 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 ईश्वर कहे, पाहवन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। सात पाहवन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमादि कहता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। ये परमपिता तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर तथा रक्त बन जाएगा। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे बांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो,
यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ये परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु के और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर पॉल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध ले बना दे। ये प्रभु हमारे भाई और बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृढ़ दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवरी मरियम, उनके प्यारे पति संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकियां बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादार तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमेन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ये ईश्वर के मेमने हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के बोझ में बुलाया जाते हैं। ये प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि
एक ही शब्द का दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते हैं। जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, मैं वो रोटी तेरी आत्मा मुझसे मिलती, मांस मेरा स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता जो जीवन रस का पान करे जो अगणित फल है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मुझसे कहता मैं हूँ जीवन जो अनंत का भाग्य बदल दे। जो कोई मुझ में है निज समाज से उठ पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता वही हूँ पर चीनों पर चल तू मेरे साथ मेरे उसको पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। ये प्रभु तू मुझे जीवन का पथ दिखाता है तू अपना मुखमंडल दिखाकर मुझे आनंद से भर देगा। हम प्रार्थना करें, ये प्रभु तेरी कृपा का प्रभाव हम में दिन प्रतिदिन बढ़ाता जाए, तेरे संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक मुख्य योग्य बनते जाए। जिसके प्रतिज्ञा के संस्कार करते हैं यह वर दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम फिर एक बार अगले महीने दिसंबर पहले रविवार को मिलेंगे। मैं विनती करता हूँ थोड़ा समय पर आकर क्वायर में रह के और सब थोड़ा अच्छी तरफ गायन करने के लिए मैं कहता हूँ। आज थोड़ा मुश्किल हुआ, प्रार्थना हूँ सब आप जानना चाहिए, एक पुस्तक रखे आपके पास। दूसरा भाई और बहनों, दिसंबर की 22 तारीख हमारा क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है, वो शाम को 3 बजे हो जाएगा, याद रखना दिसंबर 22 तारीख को शाम को 3 बजे इधर होगा। नाउ आपको सब धन्यवाद भाई और बहनों, आज ये मिस्सा रात
को 8 बजे डिवाइन वर्ड टीवी पर प्रसारित जाता है। आप बाहर जाने पर मैं विनती करता हूँ सबने मदद करना चाहिए, सब खिड़की दरवाजों को बंद करने के लिए सब। आप सबको प्रभु का आशीष, बहुत धन्यवाद भाई और बहनों, आपके कुटुंब पर, आपकी शिक्षा पर, जीवन पर, हर दिन का रोटी पर प्रभु आशीष डालें, आमेन। आशीष देता हूँ मैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमेन। आप लोग विदा ले, यह मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना धन्यवाद मेरे प्रभु। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। यीशु क्राइस्ट राजा, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सन जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे रखवाल दूत, हमारे रक्षा कर। मरे विश्वासियों की आत्माएं, क्रूस का चिन्ह।